बिलासपुर पुलिस की एसआईयू टीम ने नशे के कारोबारियों पर पूरी तरह से नकेल कस रखी है। ये टीम हर रोज चिट्टे के कारोबारियों को पकड़कर गिरफ्तार कर रही है, जिससे इस धंधे में शामिल काफी लोग सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। पूरे जिला भर में ये टीम घूम घूम कर इन कारोबारियों को पकड़ रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बिलासपुर पुलिस की एसआईयू टीम ने पुलिस थाना सदर के पास राष्ट्रीय उच्च मार्ग 205 नाका लगाया हुआ था, जिसमें वोल्वो बस को रोककर इसकी चेकिंग की तो बस की सीट नंबर 27 पर बैठे युवक से इस टीम को 29.5 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। इस एसआईयू टीम ने युवक को हिरासत में लेकर एनडीपीआरएस की धारा 21 के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। बिलासपुर पुलिस की एसआईयू टीम ने नशे के कारोबारियों पर पूरी तरह नकेल कस रखी है। ये टीम हर रोज चिट्टे के कारोबारियों को पकड़कर गिरफ्तार कर रही है, जिससे इस धंधे में शामिल काफी लोग सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। पूरे जिला भर में ये टीम घूम घूम कर इन कारोबारियों को पकड़ रही है। शुक्रवार सुबह ही इस टीम को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बिलासपुर पुलिस की एसआईयू टीम ने पुलिस थाना सदर के पास राष्ट्रीय उच्च मार्ग 205 पर नाका लगाया हुआ था और हर आने जाने वाली गाड़ियों को चेक कर रहे थे। इस दौरान सुबह के करीब 5:30 बजे एक वोल्वो बस नंबर HR63D0080 आई। जब इस टीम ने इस वोल्वो बस को रोककर इसकी चेकिंग की तो बस की सीट नंबर 27 पर बैठे युवक से इस टीम को 29.5 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। इस युवक की पहचान जीवन कुमार पुत्र बिहारी लाल गान जिला डाकर लोहारा तथा बल जिला मंडी के रूप में हुई है। इस युवक की उम्र 22 साल है। इस युवक ने ये चिट्टा पिट्ठू बैग में छुपा कर रखा था। एसआईयू टीम ने युवक को हिरासत में लेकर एनडीपीएस की धारा 21 के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। आज 13 सितंबर 2019 को सुबह थाना क्षेत्र सदर बिलासपुर के अंतर्गत सुबह 5 बजे के लगभग दिल्ली से मंडी की तरफ जा रही एक वोल्वो बस में जीवन नामक एक लड़के से 29.5 ग्राम चिट्टा हीरोइन बरामद हुई है। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। कार्यक्रम में वक्त तो चला, छोटे से ब्रेक का ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।